हेलो एवरीवन, आ गए हैं फिर से आपके लिए एक टेस्टी सा नाश्ता लेके, जिसे आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 कप चावल का आटा, और यहाँ पे हमने लिया है 1 छोटी कटोरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया है मक्का कॉर्न, और यहाँ पे हमने 2 बड़े आलू को कद्दूकस करके ले लिया है। तो चलिए अब हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक जार, और इस जार में डाल देंगे मक्के को। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी को डालने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए, पेस्ट हमारा बनकर रेडी है। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच राई। अच्छे से राई और जीरा को तड़क जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 ग्लास पानी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स। तो देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा ये आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसमें जो चावल का आटा लिया था उसे हम डाल देंगे। धीरे धीरे करके हम इसे डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालते रहना और चलाते रहना है इस तरीके से। अब जो हमने भुट्टे का पेस्ट बना के रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जिस जार में हमने मक्के को पीसा था उस जार में थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसमें मिला देंगे। तो गाइस, अब जो हमने कद्दूकस करके आलू रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसको हमें अच्छी तरीके से पका लेना है जब तक कि ये आटों के डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो ये पेस्ट बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे केक टिन में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे किसी थाली में भी जमा सकते हैं। हमने इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाल करके इसे स्पाइसी भी बना सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम सेट करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं और सुबह इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है। हम इसे शाम के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसे 2 घंटे तक के लिए रखेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब हम इसको पीसेस में इस तरीके से काट लेंगे। गाइस, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने मकेन तो खाया होगा, इसका फ्लेवर बिल्कुल मकेन के जैसा लगता है। अच्छी तरीके से इसको कट करने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने इसे इस तरीके से लंबा शेप दिया है। तो इस तरीके से मकेन जैसा नाश्ता हम घर में बनाकर खा सकते हैं। कढ़ाई हमने अब यहाँ पे चढ़ा दी है, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। एक एक करके हम नाश्ते के पीस को इस तरीके से रखेंगे और फ्राई कर लेंगे दोनों साइड अच्छी तरीके से। इसकी एक साइड अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, अब हम इसको चेंज करके इसकी दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसे घुमा घुमा के फ्राई कर रहे हैं। एकदम कम तेल में हेल्दी सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हर तरफ से हमने इसे अलट पलट के इसकी सारी साइड्स को फ्राई कर लिया है। नाश्ता फ्राई हो गया है, इसी तरीके से हम सबको फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। लीजिए कम तेल मसाले में एकदम हेल्दी सा नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो गया है। इस नाश्ते की प्रिपरेशन अगर आप रात में कर लेते हैं तो मॉर्निंग में इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है, इसे आप चटनी सॉस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।